फ्लैट ग्लोबल मार्केट एंड फ्लैट SGX ये यहाँ इंडियन मार्केट की एक फ्लैट ओपनिंग को शो कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। जैसा कि कल हमने देखा, निफ्टी जैसे ही ओपन हुआ था उसी के बाद से स्ट्रगल कर रहा था मार्केट में फर्स्ट हाफ में, बट सेकेंड हाफ में एक अच्छी खासी अपसाइड देखने को मिला। यहाँ फिर निफ्टी क्लोज हुआ 11,532 के पास, तकरीबन 70 पॉइंट ऊपर। कल जो सेक्टर अच्छा प्रदर्शन करता हुआ नजर आया था वो था PSU बैंक, जिसमें PNB और बैंक ऑफ बड़ौदा ने काफ़ी अच्छा योगदान दिया। और जो नेगेटिव सेक्टर देखने को मिला था वो था ऑटो, निफ्टी ऑटो, जिसमें आइशर मोटर एंड हीरो मोटरकॉप, ये दो शेयर जो थे इन्होंने मेजरली कंट्रीब्यूट किया है अपना ऑटो सेक्टर में। आज निफ्टी के निचले स्तरों की बात करें तो नीचे के स्तर पर निफ्टी का जो सपोर्ट बनता है वो 11,400 का बनता है, और ऊपरी स्तरों पर जो रेजिस्टेंस बनता है वो निफ्टी का रेजिस्टेंस बनता है 11,580 के पास। अगर ये ब्रेक कर लेता है तो ऊपर की तरफ 11,640 से 11,650 का लेवल इजीली नज़र आ सकता है। मार्केट में एक बाइंग देखने को मिल सकती है, अगर निफ्टी 11,530 के ऊपर सेशन करता है यार तो आप इसमें एक बाय पोजीशन ले सकते हैं।